हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने होंडा एविएटर पे वीडियो बना रहा हूँ। आज इसके हेड में से ऑयल लीकेज हो रहा है तो आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और ये स्कूटर को 4 साल हो गए हैं तो अभी यह फर्स्ट टाइम ही आया है इसमें ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम। हेड से ऑयल लीकेज हो रहा है, उसका गैसकेट ख़राब हो गया लगता है। तो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ पहले वो। तो ये देखिए, यहाँ से इंजन ऑयल लीक हो रहा है, यहाँ से ये हेड से आप देख सकते हैं, यहाँ से लीक हो रहा है। ये इसका गैसकेट चला गया है तो इसको नया गैसकेट लगाएंगे। पूरा प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ आपको। पहले आपको उसका ये दिखा देता हूँ, उसका गैसकेट दिखा देता हूँ उसको। ये है इसका गैसकेट। अगर आपका ओल्ड मॉडल होगा तो ये वाला लगेगा जिसमें ये वाला एंगल नहीं आता है। ये न्यू मॉडल है, 2015 मॉडल। इसके लिए आपको एनाबॉन्ड भी लगेगा। ये वाला एनाबॉन्ड हीट रेजिस्टेंट होता है, ये एनाबॉन्ड सिलिकॉन वाला। ये आप ख़रीद सकते हैं, 35 रुपीज़ का मिला है मुझको। और मैं ये अभी आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। तो पहले मैं ये पैनल ओपन कर लेता हूँ। ये वाला यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, ये ओपन कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ।
तो गाइस ये मैंने पूरा फिट कर दिया और आपको दिखाता हूँ। वो ये वाला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये इसका है ना बॉन्ड, ये फिक्स कर दिया है मैंने पूरा। यहाँ पे सीलेंट लगा दिया है और आपको दिखाता हूँ, ये फिट कर दिया है पूरा। और अभी ये भी मैंने पेट्रोल से क्लीन किया और इसके बोल्ट भी न्यू लगा दिया है मैंने दोनों साइड के, ये दोनों साइड के बोल्ट भी चेंज कर दिया और इसमें रबर का वॉशर होता है वो भी चेंज कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको वो न्यू मॉडल, ये 2015 मॉडल में वो वाला लगेगा आपको गैसकेट, जो उसमें ऐसा रिंग टाइप होता है थोड़ा सा, मैंने दिखाई दिया वीडियो में आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे टिप एंड ट्रिक एंड मॉडिफिकेशन वीडियो के लिए। थैंक यू।